हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि प्रियंका चौधरी इन दो वीक्स में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वीकेंड का वार उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। उनको कुछ सुनना नहीं पड़ा था, उनकी तारीफ हुई थी, जिस वजह से प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन इस बार उनकी खुशी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अधूरी रहती हुई नजर आ रही है और प्रियंका चौधरी को फिर से बहुत खरी खरी बातें सुननी पड़ रही है। और ये बातें भी सुननी पड़ रही है शालिन एंड टीना की वजह से, क्योंकि सलमान खान आज उन्हें सीधा कह देंगे कि प्रियंका तुम ना अब खुद की जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो तो काफ़ी ज़्यादा अलोपी हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि तू इनकी पीए या सेक्रेटरी हो, जो इनके बीच में सुलह करवाती रहती है, इनके बीच की जो एक मैनेजर होती है जो इन दोनों को मिलवाती रहती है, इसकी बातें उससे, इसकी बातें इससे, जो इनके बीच में हमेशा पैचअप करवाने को लगी रहती है, उसका काम तुम ज़्यादा कर रही हो। मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि अगर तुम इन दोनों से अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगी तो तू बहुत अच्छा खेलोगी, लेकिन तुम तो सारा टाइम ही इन पर लगा रही हो, जिस वजह से तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम्हारी कोई गेम ही नहीं दिख रही है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा प्रियंका चौधरी शॉक्ड हो जाएगी और जो टीना दत्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि टीना दत्ता की वजह से प्रियंका चौधरी को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी को कहा जा रहा है क्या चीज़ सही है या गलत, तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।